जय हिंद सभी विद्यार्थियों को। यूसी लाइव के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने जो है अब तक बात करी थी, वो बात करी थी वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेकर। वर्ल्ड ज्योग्राफी में नो डाउट हमने सारे टॉपिक कवर नहीं किए हैं, उनमें से कुछ टॉपिकों को हमने छोड़ दिया है ताकि आपके जो है ये जो दिसंबर में एग्जाम आ रहा है उस दिसंबर के एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिकों को अपन पहले कवर कर ले। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में एसएससी ने अपने एग्जाम पैटर्न में बदलाव किए हैं और उस बदलाव में जीके को एक इम्पोर्टेंट रोल माना गया है। तो अब कोशिश यही करनी है आपको कि जितना ज्यादा आप इस सब्जेक्ट पर मेहनत कर सको उतना ज्यादा जरूरी, क्योंकि ये जो है सब्जेक्ट हर किसी बच्चे का कमजोर नहीं होता है। मैं वापस कह रहा हूँ, कमजोर नहीं होता है, ठीक है। ये मत सोचना कि हर बच्चे का जीके कमजोर होता है, नहीं, वो पढ़ता था मैं, लेकिन ये सब्जेक्ट जो है अगर एक बार आपने ईमानदारी से पढ़ लिया तो उसके बाद आपको एग्जाम तक उसको वापस देखने की जरूरत नहीं है। तो पहले जब जो लोग थे वो केवल प्री के हिसाब से इसको देखते थे, दो चार दिन पहले पढ़ लेते और उसके बाद में इसको पटक देते थे, लेकिन अब जो चेंजेस आए हैं उसके अनुसार जो है खुद को बहुत अच्छे से इसमें तैयार करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो ध्यान से, अपन बात कर रहे हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की। किसकी बात कर रहे हैं? भारत के भूगोल की। भारत के भूगोल को शुरू करने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, इनका काम कहाँ आता है, कहाँ काम नहीं आता है, हम इनके बारे में बात करेंगे। शुरुआत देखो कि भाई हम जो है बहुत बेसिक से कर रहे हैं। सबसे पहले लेते हैं लैटिट्यूड लाइंस को, इनको लेते हैं लैटिट्यूड लाइंस को, या जिनको अपन कहते हैं अक्षांश रेखाएं, या जिनको अपन क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। यहाँ देखो ध्यान से, सबसे पहला है अक्षांश और लॉन्गिट्यूडनल्स को हमने क्या कह दिया, देशांतर। देशांतर, ठीक है। अब देखो इसी चीज को अपन जो है एक बार मैप में अच्छे से समझ लेते हैं कि मैप में क्या हम बात करने वाले हैं। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपन, वो बात करते हैं लैटिट्यूड लाइंस की। किन की बात कर रहे हैं? लैटिट्यूड लाइंस की। आपकी परिभाषाएं सारी लिखी हुई है, बस इसको मैं जैसा समझा रहा हूँ इसको ऐसे समझने की कोशिश करना। लैटिट्यूड लाइंस, ये अपनी अर्थ हो गई। अर्थ जो है इस पर जो लाइन कुछ इस तरह ड्रॉ की जाती है, वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, ये कुछ इस तरह की, इन लाइनों को हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं या लैटिट्यूड लाइंस कहते हैं। इन लाइनों को क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड लाइंस कहते हैं। क्लियर है? पहली बात तो खींची कैसे जाती है, यूं तिरछी खींची जाती है। फिर बात करें दूसरी चीज क्या आती है कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड है कितने, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड है कितने। तो अक्षांशों की अगर हम बात करें कुल कितने हैं, तो ध्यान से देखो, पहली चीज तो आपने ये समझ ली कि जो इस प्रकार से तिरछी खींची जाती है उनको अपन क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब इसी के अंतर्गत दूसरी चीजें समझो, जैसे कि भाई टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड है कितने, ये हो गई अर्थ। वापस से लैटिट्यूड लाइन कुछ इस तरह खींची जाती है, खींच ली हमने, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने होते हैं, तो ये तो हो गया 0 डिग्री लैटिट्यूड, फिर 90 होते हैं नॉर्थ में, 90 कहाँ होते हैं, नॉर्थ में, और 90 ही होते हैं साउथ में, 90 ये लाइन कितनी होती है साउथ में, और एक हो जाती है इक्वेटर लाइन। ये लाइन 0 डिग्री लाइन क्या कहलाती है, 0 डिग्री लैटिट्यूड, ऑल्सो नोन एज इक्वेटर लाइन, या 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। ये जो 0 डिग्री अक्षांश है प्लस ये एक हो जाता है, तो 90 और एक टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने हो जाते हैं, 180, कितने हो जाते हैं, 180, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड 180। फिर उसके बाद में देखो, ये जो लाइनें होती है ये पृथ्वी के गोलार्धों में खींची जाती है कुछ इस तरह, जैसे ये अपनी पृथ्वी है जियोइड शेप की, इसमें यहाँ से शुरू करके वापस ये आती है, मतलब ये एक पूरा सर्कल बनाती है, ये पूरा क्या बनाती है, सर्कल बनाती है। इस वजह से देखो कि ये पूरा क्या बना रही है, सर्कल। और जब आपके पास में एक कोई बॉल होगी और उस बॉल पर अगर आप बीच में सर्कल बनाओगे, ठीक है, बॉल है, बॉल ये जैसे मान लो बॉल है, इस बॉल के जब आप यहाँ सर्कल बनाओगे तो ये सर्कल बड़ा बनेगा, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर की ओर आओगे सर्कल छोटा होता जाएगा, सर्कल क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो जब ये इक्वेटर का सर्कल जो होगा, ये सर्कल तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन जैसे जैसे ऊपर आते जाएंगे सर्कल छोटा 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 होता जाएगा, और एक टाइम पे ऐसा होगा कि बस इतना सा सर्कल बचेगा दोनों ओर, इतना
छोटा सा डॉट बनेगा नॉर्थ पोल में, छोटा सा डॉट बनेगा साउथ पोल में। तो अब अगर आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड 181, कितने हो जाएंगे 181, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड 181। लेकिन पूछ ले टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइन या कुल अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, ठीक है, TUD लैटिट्यूड लाइंस अक्षांश रेखाएं, तो ये हो जाएगी 179। कितनी हो जाएगी 179 के सर, 179 कैसे हो गई, ये डॉट है ना कि एक लाइन, ये क्या है एक डॉट ना कि एक लाइन। तो जब इस डॉट दोनों डॉटों को हटाएंगे 181 में से तो पीछे कितना रहेगा 179। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड 181, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइन 179। किस काम आते हैं, तो ये आपके जो हैं किस काम आते हैं, किसी भी जगह की लोकेशन को ट्रेस करने के लिए, इसके लिए काम में आते हैं लोकेशन को ट्रेस करने के लिए, ठीक है, किसी भी जगह की लोकेशन देखने के लिए कि भाई कहां पर है वो असल में, ठीक है। जैसे मान लो कि भाई आप प्लेन चला रहे हो, ठीक है, आप जो है क्या है पायलट है, प्लेन चला रहे हो, तो आपको एड्रेस ऐसे थोड़ी बताते हैं कि भाई जो है चांदनी चौक से राइट ले लेना, या जो है सराय रोला से लेफ्ट ले लेना, या फिर ऐसे नहीं कहेंगे कि भाई अगर आप राजस्थान से उड़ रहे हो कि हाँ राजस्थान के ऊपर है, राजस्थान के ऊपर आगे देखो कि भाई दो गली छोड़ के जस्ट लेफ्ट लेके और अपने दिल्ली में एंट्री ले लेना, ऐसा तो नहीं कहते हैं ना उनको। उनको डायरेक्शन कैसे दी जाती है, उनको डायरेक्शन दी जाती है इन्हीं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के फॉर्म में, 10 डिग्री मुड़ो, 20 डिग्री मुड़ो, या आप समुद्र के अंदर जाते हो जब तक आपको किनारा नजर आता है तब तक तो आपको पता रहता है आप किस डायरेक्शन से आए थे और किस डायरेक्शन में आपको आगे जाना है। लेकिन अगर आपको डायरेक्शन पता नहीं होगी तो फिर आप कैसे पता करोगे कि आपको किस तरफ जाना है या किस तरफ से आप आए, बात क्लियर होगी। इसलिए यहाँ पर ये लाइनों का काम में लिया जाता है। अब देखो इन लाइनों के बीच की डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस सभी जगह इक्वल होती है, इन लाइनों की ये जो बीच की डिस्टेंस है ये सभी जगह कैसी होती है, इक्वल होती है। और इन लाइनों के बीच की डिस्टेंस होती कितनी है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड लाइंस या टू लैटिट्यूड, ये हो जाएगी आपकी कितनी 111 किलोमीटर, यानी दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 111 किलोमीटर, कितनी हो जाएगी 111 किलोमीटर। ये क्या करती है, ये कंप्लीट सर्कल बनाती है, कंप्लीट सर्कल बनाती है, बात क्लियर हुई माइंड में इतनी सी। अच्छा फिर टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस कितना होता है, बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, किस काम आती है, ये सारी चीजें हमने देख ली, अच्छे से समझ में आई। अब इन्हीं लाइनों को लिखा हुआ देख लो, जैसे लैटिट्यूड इंपल्स द जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट दैट डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट नॉर्थ साउथ ऑफ द इक्वेटर, नॉर्थ साउथ ऑफ द इक्वेटर, यानी अक्षांश रेखाओं को किस तरह खींचा जाता है, पश्चिम से पूर्व खींचा जाता है या पूर्व से पश्चिम, कैसा भी कहो क्योंकि पृथ्वी गोल है। और फिर वही बात करें तो इन रेखाओं का प्रयोग किसी भी जगह की लोकेशन को जानने के लिए किया जाता है, इट इज नोन एज पैरेलल्स, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखो ये कैसे खींची हुई है, पैरेलल्स खींची हुई है। इसके बाद देखो अगली चीज आप लोगों के लिए वो ये है, द लेंथ ऑफ द लाइंस आर डिफरेंट, लेंथ ऑफ द लाइंस आर डिफरेंट, और इट क्लासीफाई हीट जोन्स, और ये असल में और क्या करती है आपकी, हीट जोन बताती है, ठीक है, कहीं पर जो है सब ट्रॉपिकल है, कहीं ट्रॉपिकल है, कहीं टुंड्रा है, इस तरह की आपके ये हीट जोन बताती है। और फिर बात करें तो देर आर 181 लैटिट्यूड और लैटिट्यूड लाइंस अगर आपसे पूछ लें तो ये हो जाएगी 179। क्लियर है यहाँ तक की बात, ठीक है। इसके बाद देखो आगे आती है बात लॉन्गिट्यूड की, इसकी बात आती है लॉन्गिट्यूड की। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड के, भाई लॉन्गिट्यूड लाइंस क्या होती है। तो यहाँ देखो अब ये तो पता चल गया जीरो डिग्री आपके, जीरो डिग्री लैटिट्यूड को आप इक्वेटर लाइन कहते हो, इक्वेटर लाइन के ऊपर 90 आपकी क्या है लैटिट्यूड, इक्वेटर लाइन के नीचे 90 लैटिट्यूड है, सबको जोड़ोगे तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने हो जाते हैं 181। फिर इसके बाद में देखो अगली बात करते हैं अपन लॉन्गिट्यूडनल लाइंस की, यानी अक्षांश देशांतर रेखाओं की। अब बात कर रहे हैं देशांतर,
इसकी बात कर रहे हैं, देशांतर रेखाओं की। लॉन्गिट्यूड लाइंस। अब देखो ध्यान से, ये जो खींची जाती है कुछ इस तरह खींची जाती है, ठीक है। ये है 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री देशांतर, मेरिडियन लाइन इसको कहते हैं। ये जो 0 डिग्री देशांतर है इसको क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा या ग्रीनविच लाइन, ग्रीनविच रेखा या ग्रीनविच लाइन, क्या कहते हैं इसको, ग्रीनविच रेखा या ग्रीनविच लाइन। किसको कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर को। देशांतर रेखाएं कुछ यूं खींची जाती है, यूं इस तरह एक बिंदु से निकलकर वापस उसी बिंदु में समाहित हो जाती है, कुछ इस प्रकार से ये लाइनें खींची जाती हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इन लाइंस के बीच की डिस्टेंस सभी जगह इक्वल नहीं है, इन लाइन के बीच की डिस्टेंस जो है ये सभी जगह क्या है, इक्वल नहीं है। इनके बीच की डिस्टेंस देखो, जैसे ये लाइन क्या हो जाती है आपकी, ये लाइन हो जाती है इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा। इस रेखा को हमने क्या नाम दे दिया, भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन, ठीक है, ज्यादा ही बड़ा हो गया, इक्वेटर लाइन। अब यहां ध्यान से देखो तो इनके बीच की डिस्टेंस जो है इक्वेटर पर ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे इक्वेटर के नीचे आ रही है और जैसे जैसे इस लाइन के ऊपर जा रही है, इनके बीच की डिस्टेंस देखो कम होती जा रही है कि नहीं जा रही है, ये बिल्कुल सर कम हो रही है। अच्छा फिर देखो कि टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितने होते हैं, 360, कितने हैं 360। फिर बात करें तो ये आपके कंप्लीट सर्कल नहीं बनाते हैं, ये कंप्लीट सर्कल नहीं बनाते हैं, ये ऐसे घूम के यूं नहीं जाता है, ये आधी इस तरफ होती है आधी इस तरफ होती है, क्लियर है आपकी। ये क्या करती है, ये टाइम जोन डिसाइड करती है, क्या करती है, टाइम जोन डिसाइड करती है। इनके बीच की डिस्टेंस सर कितनी होती है, तो इनके बीच की डिस्टेंस जो है ये भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा होती है, और फिर धीरे धीरे जो है जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाती है डिस्टेंस बीच की कम होती जाती है, क्लियर है। फिर देखो आगे कि भाई एक अगर आपको जो है इस लाइन से इस तरफ बढ़ना पड़े, ये दिशा है आपकी, ये हो जाती है वेस्ट और ये हो जाती है ईस्ट। तो अब देखो इस ग्रीनविच लाइन से अगर आप ईस्ट की ओर बढ़ेंगे, इस ग्रीनविच लाइन से अगर आप ईस्ट की ओर बढ़ेंगे, तो जैसे जैसे आप एक एक लॉन्गिट्यूड पार करेंगे आपके टाइम में 4-4 मिनट बढ़ते रहेंगे, यानी इस ग्रीनविच रेखा से पूर्व की तरफ आने पर समय में 4-4 मिनट जुड़ते जाएंगे। 4-4 मिनट क्या होंगे, जुड़ते जाएंगे सर, 4 मिनट ही क्यों, क्योंकि दो देशांतरों को पार करने में समय का अंतर कितना है, या दो देशांतरों के समय का अंतर कितना है, 4 मिनट है, दो देशांतरों के समय का अंतर कितना है, 4 मिनट है। तो जैसे जैसे आप ईस्ट की तरफ बढ़ोगे समय में 4-4 मिनट जुड़ेगा, और जैसे जैसे आप इस ग्रीनविच लाइन से वेस्ट की तरफ बढ़ोगे यानी पश्चिम दिशा की ओर बढ़ोगे, आपके समय में 4-4 मिनट की कमी होती जाएगी, समय में क्या होती जाएगी, 4-4 मिनट की कमी। बात समझ गई, इस तरफ आने पर समय कम होगा, इस तरफ जाने पर समय बढ़ेगा। अपना जो इंडिया है वो इंडिया है कहां, इंडिया ग्लोब के अंदर आता है नॉर्थ ईस्ट में, कहां आता है, नॉर्थ ईस्ट में। जब नॉर्थ ईस्ट में आता है तभी आपने एक लाइन सुनी होगी कि भारत का समय ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है, भारत का समय ग्रीनविच रेखा से कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है, ऐसी लाइन आप लोगों ने सुनी होगी। तो यही लाइन क्या कहलाती है, आपकी टाइम लाइन कहलाती है। तो इसी को अब वापस इंग्लिश में देख लो क्या क्या हमने जो है लिखा है। लॉन्गिट्यूड एल्यूड्स to the geographical coordinate which identifies the distance of a point east-west of the prime meridian. It is known as meridian lines. The length of the lines are the same. It is classified time zone or there are 360 longitudinal lines. कितनी है? 360. Clear है यहाँ तक की बात? अच्छा, फिर देखो कि भाई यहाँ सर ये line length की कम ज्यादा क्यों हुई? तो यहाँ देखो, यहाँ ये सबसे बड़ी line बनेगी, फिर जैसे जैसे आएगी धीरे धीरे इनके point होते जाएंगे,
लेकिन यहाँ पर ये लाइंस बराबर होगी, ठीक है। अब देखो आगे, अब बात करते हैं अपने किसकी, अब बात करते हैं अपने पृथ्वी की, किसकी बात करते हैं, पृथ्वी की बात हो चुकी है, अपने इंडिया की बात करते हैं। अच्छा इंडिया का एक मैप मैंने डाले थे, अच्छे अच्छे मैप लगता है इधर उधर हो गए, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं अपने इंडिया की, ठीक है। अब यहां देखो अपना जो इंडिया है वो इंडिया ग्लोब में कहां है, जैसे ये ग्लोब है, ये क्या है, ग्लोब है, ये हो जाती है आपकी क्या डायरेक्शन, जैसे ये आ जाता है आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, वेस्ट और ईस्ट, इसी में इंडिया कहाँ है, इस तरफ, इस तरफ, ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। तो भारत ग्लोब में कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में, ग्लोब में कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में। अब मैंने आपको कहा कि किसी भी जगह की अगर आपको जो है, किसी भी जगह की अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है तो डायरेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन के लिए आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस जो है वो कैसे डिसाइड करती है इंडिया कहाँ है, तो यहाँ देखो भारत का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है, अक्षांशीय विस्तार है, वो है आपके यहाँ से, भारत अब यहीं से शुरू होगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है यहाँ से, ये है 8 डिग्री 4 मिनट से, 8 डिग्री 4 मिनट से, ये जो लास्ट पॉइंट है ये है 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। फिर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है, ये हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये जो लाइन्स है इसको ऐसे सीधा कर लेते हैं फिर कंफ्यूज हो जाओ, ये इस तरह, ये हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट। अगर पूछ ले भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, कि सर 8 डिग्री से क्यों लिया, तो ध्यान से देखो ये लाइन कौन सी है, 0 डिग्री लाइन है, ये लाइन कौन सी है, 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री लाइन। अब 0 से ऊपर 1 आएगा, फिर कहीं पर 2 आएगा, 3 आएगा, इसी तरह 8 आएगा, फिर ऊपर ऐसे ही करते करते 37 आएगा, बात समझ गए। तो यहां से शुरुआत होगी 0 से 8 डिग्री लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, फिर इसके बाद 0 यूं है तो फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर ऐसे ही करते करते जो है 68 आएगा, तो 68 डिग्री 7 मिनट से फिर ये कितना चला जाएगा, यहाँ लास्ट 97 डिग्री 25 मिनट, कितना चला जाएगा, 97 डिग्री 25 मिनट। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि अपना जो है विस्तार कितना है, एक्सटेंशन कितना है, लैटिट्यूडनल हो गया 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, लॉन्गिट्यूडनल हो गया 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। इसके बाद में देखो डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितनी आती है आपकी, ये डिस्टेंस आती है 3214 किलोमीटर, कितनी आती है 3214 किलोमीटर। वहीं अगर हम आगे बात करें तो भारत की जो है पश्चिम से, ये तो उत्तर से दक्षिण विस्तार हो गया, पश्चिम से पूर्व विस्तार कितना है, पश्चिम से पूर्व विस्तार ये हो जाएगा 2933 किलोमीटर, कितना हो जाएगा 2933 किलोमीटर। बात क्लियर हुई, अपने जो है भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार यहां से यहां तक कितना लंबा है 3214, पश्चिम से पूर्व तक कितना है तो 2933 किलोमीटर। अब इसी में देखो अपन बात करते हैं नॉर्दर्न और साउदर्न पॉइंट्स की, इसकी बात करते हैं नॉर्दर्न और साउदर्न पॉइंट की। इंडिया का नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा आता है आपका और इंडिया का साउदर्न पॉइंट कौन सा आता है, अपन इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो
तो ध्यान से देखो, बात करें अपने नॉर्दर्न पॉइंट की तो इसका नाम हो जाता है इंदिरा कॉल। क्या नाम हो जाता है? इंदिरा कॉल। वहीं बात करें कि अपना साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है तो यहीं पर पढ़ते हैं आपके अंडमान और निकोबार आइलैंड। क्या पढ़ते हैं? अंडमान और निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ है आपके, तो इसी तरफ आते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो लास्ट पॉइंट होगा वही इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट होगा। और यहाँ का लास्ट पॉइंट कौन सा है? तो यहाँ का लास्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट क्या है? भारत का दक्षिणतम बिंदु, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, और वो कौन सा हो जाता है? इंदिरा पॉइंट। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया, इंदिरा कॉल, कहाँ है ये? लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में। ये कहाँ है? अंडमान और निकोबार में। फिर देखो वेस्टर्न, तो यहाँ आता है आपका क्या? गौर माता, वेस्टर्न पॉइंट, गौर माता। कहाँ है? सर क्रीक गुजरात में, सर क्रीक गुजरात में, सर क्रीक गुजरात में। वही बात करें तो ईस्टर्न पॉइंट कौन सा हो जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, बलांगू या किपियतु, जो कि कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। अब यहीं पर एक चीज सीखने लायक है, और वो चीज सीखने लायक क्या है तो ध्यान से देखो, हमने बात करी साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया, तब आपने कह दिया इंदिरा पॉइंट। अब देखो ये अंडमान निकोबार के बीच में अपने क्या आ जाता है? पानी आ जाता है। लेकिन इंडिया से ही जुड़ा हुआ, इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इससे मतलब इंडिया से मतलब इसके मेन लैंड से जुड़ा हुआ, तो मेन लैंड से जुड़ा हुआ जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इसका नाम है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी या केप केमोरिन, केप केमोरिन, कन्याकुमारी या केप केमोरिन। ये क्या हो जाता है? मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। अगर आगे मुख्य भूमि लिखा है, मेन लैंड लिखा है, तो ही अपने उत्तर ये देना है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, भारत की क्या? मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। तो यहाँ हमने जो है तीन चार बातों को देखा है, इन तीन चार बातों को आपको अच्छे से जो है किताबों के अंदर लिखना है अपनी, और फोटो बना के लिख सको तो वो और ही बेस्ट है, वो दी बेस्ट चीज है। ठीक है, तो आज की अपनी क्लास यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।